नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विवेक। आज आपको लेके चलूँगा सोनपुर मेला। मेरे चैनल पे वैसे ब्लॉग तो बनता नहीं है, लेकिन आज पहली बार मैं अपने चैनल पे ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। तो आज के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा सोनपुर मेला के बारे में। अभी हम स्टेशन पे आ चुके हैं, गोल्डनगंज रेलवे स्टेशन। ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा नज़दीकी रेलवे स्टेशन गोल्डनगंज। तो ये मेरे घर से बहुत ही नज़दीक में है। तो हमें यहाँ से सोनपुर मेला के लिए सोनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे जाना होगा, जो कि यहाँ से 40-50 किलोमीटर लगभग है। तो यहाँ पे एक ट्रेन आने वाली है थोड़ी देर में, जो कि छपरा से लेकर सोनपुर तक पैसेंजर ट्रेन है, चलती है। तो उसी में बैठकर हम जाने वाले हैं। एक बार आपको इस रेलवे स्टेशन का नज़ारा दिखा देते हैं। यह देखिए दोस्तों, ये है हमारा गोल्डनगंज रेलवे स्टेशन। अभी हम बहुत ही आउटर साइड में हैं, चलिए आपको लेके चलते हैं आगे की तरफ। यह हमारा फ्लाईओवर ब्रिज है। यह देखिए दोस्तों, यह है हमारा फ्लाईओवर ब्रिज, जो कि रेलवे लाइन को पैदल क्रॉस करने के लिए है। और ये हमारा सामने का व्यू है, प्लेटफॉर्म यहाँ पे दो है। और ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये देखिए, ये हमारा स्टेशन मास्टर का रूम और टिकट घर है। और यहाँ से सीधे रास्ता बाहर की ओर निकलता है और लोग यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगले रेलवे स्टेशन सोनपुर, या फिर हमारी ट्रेन आने तक वेट करते हैं। अभी मैं अपने ट्रेन में आ चुका हूँ, देख सकते हैं। तो बोलते हैं आपसे अगले रेलवे स्टेशन से। बोल Thank you.
सोनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं। तो अब चलते हैं, यहाँ से एक या डेढ़ किलोमीटर का पैदल रास्ता है, तो हम यहाँ से पैदल ही जाएंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं मेला, सोनपुर मेला किस तरह का होता है। देखिए दोस्तों, फाइनली हम सोनपुर मेला में आ चुके हैं। तो अभी तो हम फर्स्ट में ही इन किए हुए हैं, आगे तो बहुत कुछ देखना बाकी है। देखिए आगे बहुत सारे पौधे देखते हैं, और ये है झुलुआ जो कि तिरछा झूला झुलाता है। दोस्तों आज आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखिए यहाँ बहुत सारा फ्लावर्स है, ये देखिए दोस्तों। और ये है बड़ा वाला झूला, चलिए आपको आगे दिखाते हैं और भी बहुत कुछ है। यहाँ पे है एक बाजार लगता है। चलिए देखते हैं आज मतलब किस किस तरह के जानवर हैं। ये गेट तो बंद लग रहा है, पता नहीं आगे वाला गेट खुला हुआ है। चलिए देखते हैं आगे वाले गेट पे। चिड़िया बाजार अब किस साल पता नहीं क्यों खुला हुआ नहीं है। और घूमते हैं कहीं पे और। आइए भाई, ये माँ तारा कॉर्नर मुन्ना भाई की दुकान में आपको हर सामान हर एक आइटम केवल 35-35 रुपया में मिलेगा। देखिए ना, घर के सजावट का सामान, बच्चों का खिलौना, स्टील का बर्तन, कुछ भी खरीदिएगा सिर्फ 35 रुपया में ही मिलेगा। बच्चे का बैग मिलेगा, कुछ भी लीजिए 35 रुपया, ओनली 35 रुपया, बहुत ही सस्ता मिलेगा। और भी यहाँ पे फ्लावर्स है और पॉट के साथ, और सेविंग बैंक है बच्चों के लिए, सब आप देख सकते हैं। सब खिलौने हैं बैडमिंटन, और बहुत कुछ है यहाँ पे। ओनली 45 के बीच वो यहाँ पे बहुत सस्ते सस्ते सामान मिलते हैं, कुछ सामान महंगे भी मिलते हैं। और इधर देखिए लेडीज़ के लिए इधर बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे चाबी पूरा है, एटलीस्ट मिला हुआ है 40 का 35 का 30 का 20 का, चार लाइन में है। सबसे ऊपर वाला जो है 40 का, सेकेंड लाइन 35 का, थर्ड लाइन 30 का है, फोर्थ 25 का, फाइव और यहाँ पे बगल में लेडीज का आइटम है।
लिए चलते हैं आपको, और भी बहुत कुछ देखना भी बाकी है। 10 रुपये का सामान सारा बिकता है, सभी चीज़ें यहाँ पे 10 रुपये में मिलेंगी, कोई भी चीज़ लीजिए और भी 10 रुपये। चम्मच 5 चम्मच है 10 रुपये, स्क्रू ड्राइवर है 10 रुपये, हर चीज़ यहाँ पे जो भी दिख रहा है सभी 10 रुपये। देख सकते हैं आप लोग भी सोनपुर मेला घूमने के लिए जरूर आना चाहिए, बहुत सारे चीज़ें बहुत सारा सामान है, वही बहुत ही सस्ता है, बोर्ड लगा हुआ है 1 ग्राम। चलिए आगे, मीना बाजार यहाँ पे लेडीज़ का सेल अवेलेबल है, ओनली 150, 150 रुपये में यहाँ पे सेल लगा हुआ है लेडीज़ सैंडल का, आप कोई भी ओनली 150, बहुत सारा है, प्लास्टिक का फ्लावर्स है, ये सभी है मात्र 20 रुपये, देख सकते हैं 20 रुपये है, इस तरह से कोई भी चीज़ लीजिए आपको 20 रुपये की पड़ेगी। ये टेस्टर आज है खास कंपनी की, और यहाँ पर ये बच्चे याद से हैं, अरे 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 आज का फ्रेंड है, घर जाइए घर जाइए घर जाइए जाइए, जल्दी आइए ना तो छूट जाएगा घर, जल्दी टिकट दीजिए, 10 रुपया हो गया 20 वाला टिकट जो है 10 रुपया हो गया, बस वहीं पर वहीं पर वहीं पर भैया थोड़ा सा और आगे करो, सामने सामने लगाइए ना, हाँ बस 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 वाह बहुत अच्छे, शुरू किया जा रहा है खेला 10 रुपये, आई आई माधव भाई जब देखेंगे भाई ना चालू होता खेला 10 रुपये आज, हाँ ले ना भैया मैं से लेना टिकट देने से 20 रुपया वाला टिकट आज, दो बड़का मौत के कुइया बड़का सरकार भाई बड़का खेला, दू गो मारुति कार चलावा था कलाकार सब, 4 चक्का वाला गाड़ी 2 गो चली आ 2 चक्का वाला 2 गो चली सब भैया एक संगे चली, आई जल्दी आई आई ना भैया जी, आई नहीं नहीं आई ना बाबा के नाला की टीका आई ना ली ना टीका तो आई जैसे ली 10 रुपया ना हो गए, हाँ 20 वाला टिकट आज 10 रुपया आए बाबा है नू लो तनी ठहर जाइया रुक जाइया बाबा सब तैयार बा खेला चालू करे के लिए, तनी जल्दी जाइए है नहीं चाहिए सर जी, गाड़ी उधर कर दीजिए भैया थोड़ा, वहाँ सर जी देखेंगे क्या वहीं पे लगा दीजिए, हाँ वहीं पे लगा दीजिए ना वहीं पे, बस तुरंत ही स्टार्ट हो ही जाएगा ना, 5 मिनट में तो आ जाएंगे, वो खेला को थोड़ा और आगे बढ़ा दे तो गाड़ी लग जाता है, सोनू इधर आओ तो बाहर जाओ, खेला को थोड़ा सा आगे करो, ठीक है रहने दीजिए थोड़ा सा आगे करो।
क्योंकि ज्यादा देर का खेला नहीं ना है, 5 से 6 मिनट का खेला होता है और खेल जो है बड़ा ही खतरनाक दिखलाया जाएगा। 10 रुपया हो गया। माँ तो बहन से बरुआ सब ना देखे हो, भाई ना बरुआ सब के ना लगे देखा, जाई ना चालू होता का भाई लो, का भाई शुरू होता, जाई जल्दी जाई भाई, 10 रुपया भाई, 10 रुपया, 20 वाला टिकट आज 10 रुपया हो गए, भाई हेने आई माँ तो बहन सब हेने आई, शुरू होता खेला देखे, जा रहा होगा खेला का, भाई ना 20 रुपया ना लगी आज, आज भाई सभी देख लिए 10 रुपया लगा था आज, बड़का मौत को आगे टिकट 10 रुपया हो गए, जल्दी आई ना मैं तो छूट जाए खेला, जल्दी आई भैया जल्दी आई, बस शुरू करवा रहे हैं, गाड़ी सब चला गया है कुएं में, देखिए कलाकार सब जो है तैयार है, जाइए जल्दी जाइए, 10 रुपया जल्दी आ जाए, जल्दी आए जल्दी आए, चालू होता खेला शुरू होता, जल्दी जाए, देख लीजिए 160 रुपये का सेल ली ना, जल्दी की का छूट जाए खेला, आइए सर जी आइए, बच्चे का नहीं लगेगा ये, नॉट बी रिटर्न, आइए 10 रुपया का टिकट है, एक बार लेने के बाद रिटर्न और पैसा यहाँ से टिकट ले लीजिए होगा, तो आप देख 20 वाला टिकट 10 हो गया है 20 वाला टिकट 10 हो गया है आज, ये देखिए आज बड़ा ऑफर आ गया, आज बड़ा ऑफर आ गया खास कंपनी का, 20 वाला टिकट 10 रुपया हो गया, आइए ना भैया आइए, मैदान समझिएगा तो कैसे देखिएगा, गाड़ी सब चल गई हम कुआ में, अब कुइया के इनार के गेट दरवाजा बंद हो या खेला चालू हो जाए, अरे 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 खैरी खैरी कहीं रुक जाइए एक मिनट, नहीं ना जल्दी नहीं कटेगा, 10 रुपया 10 रुपया 20 रुपया ना हो आज 10 रुपया लगा था, बड़का बहुत कुआ में भाई नहीं चिंता की, जाए भैया जल्दी जाए यहाँ से आ जाए, जल्दी से आ जाए, जल्दी जाइए चालू हो रहा है, जल्दी आइए भैया जल्दी आइए, भैया ये देख रहा है, आइए जल्दी आइए, पहला खेल है ना स्पेशल शो दिखलाया जाएगा, जल्दी जाइए, बड़ा ही सुंदर बड़ा ही अच्छा खेल दिखलाया जाएगा, इधर से आ जाइए इधर से जाइए, 10 रुपये का टिकट हो गया, आइए ना भैया, हेलो जाइए ना भाई, चालू हो रहा है खेला, गाड़ी चला गया, चलिए बढ़ाइए स्टार्ट, आइए भाई जल्दी आइए जल्दी, अरे जल्दी आइए ना तो छूट जाइएगा, जल्दी आइए भाई, गेम आइया तो कितना का है भाई? 300। हेलो बना रहा है, यहाँ पे कुछ प्लास्टिक की आइटम्स है, यहाँ पे रेट नहीं लगा हुआ है, सामान वैसे रेट और
हिमाचल से रिलेटेड सामान आपको मिलेगा। इसका कितना दाम है भाई? इसका इसका कितना दाम है? 240 का 6। 240 का 6। आपको कुछ विंटर के कपड़े दिखा देते हैं। और इधर तो लेडीज का आइटम है, इस तरफ है जींस। कितने का है भाई? 450 रुपये। वो भी है 450। ये सभी है 450 रुपये। लड़की का गेम, लड़की का खेल, लड़की का सर्कल देख के जाइए। यू वाले ये देख के जाइए, तुरंत जाइए, तुरंत देख के जाइए, सोचिए नहीं। पूरा मेला घूमिएगा ना, लड़की वाला खेला कहीं नहीं मिलेगा। ये मेला में अकेला है, लड़की वाला खेला देख ला। ए भैया, अरे बाप रे, लड़कियां गाड़ी चला पाते कि भैया? अरे हाँ, देख ला देख ला। दोस्तों, यहाँ पे कृषि प्रदर्शनी का मेला लगता है कृषि विभाग द्वारा। चलिए अंदर दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आपको ट्रैक्टर ट्रैक्टर वगैरह या फिर कृषि से संबंधित हर चीज़ सब्सिडी के साथ मिल जाती है, देख सकते हैं। इधर पे बीज और खाद के लिए कुछ है, और भी आगे बहुत सारी कृषि यंत्र यहाँ पे मिलती है। ये जो है दवा का छिड़काव करने के लिए, और बीज यहाँ पे, और ये जो है रिपर, मूल्य है 325,000 अनुदान इस पर मिल रहा है 1,00,000 रुपये का। और ये यंत्र है अब वो गेहूँ या धान की कटाई करने वाली। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे यंत्र आपको मिलेगी, कृषि यंत्र। और ये है मिट्टी जांच प्रयोगशाला, और सरकार द्वारा चलाई जा रही है सभी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी।
और आपको आगे दिखाते दिखाएंगे। यहाँ पे कुछ पंप सेट है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये है रोटरी, कितने का है भाई बोला, कितने का ही और रेट कितना है दाम? 20,000। ये कुछ बीज डालने के लिए वाली मशीन है, बीज डाला है, और भी बहुत आपको ये खाद बनाने वाली तकनीक है, देख सकते हैं वर्मी पेड, इस तकनीक से आप खाद बना सकते हैं। ये खाद आप बना सकते हैं खेतों में डालने के लिए वर्मी कंपोस्ट। और ये है गोबर गैस संयंत्र, यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं जो कि आप सुखा के रख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये मशरूम है, मशरूम और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि सुखा के रख सकते हैं। Electronics.
यहाँ पे दिखाया गया है कि आप किस तरह से फसल को उगा सकते हैं नए नए तरीकों से। यह है 0 THC से गेहूँ की खेती पंक्ति में शक्ति, और यह है मिश्रित फसल, यह है छत के ऊपर में खेती। देख सकते हैं छतों के ऊपर में खेती इस तरीके से कर सकते हैं। मिट्टी का लेयर लगाया गया है, पत्थर इतना मोटा बना गया है और उसके ऊपर में सब्जियों और फूलों की खेती की गई है। इस तरफ भी बहुत सारा चीज़ें लगता था लेकिन अब अभी नहीं लगा हुआ है, यहाँ भी लगता था। गन्ने की कुछ प्रजातियाँ हैं, CO0238 सारे गन्ने की फसलें हैं, बहुत सारी किस्में हैं। POP9301 COS8436 और ये VOLK90184 और ये इधर मटर की गन्ना और मटर दोनों साथ में फसल लगा सकते हैं, गन्ना प्लस मटर। इस तरीके से गन्ना और मक्का भी लगा सकते हैं, गन्ना और मसूर भी, और गन्ना प्लस तोरी भी, गन्ना प्लस प्याज, गन्ना प्लस लहसुन और गन्ना प्लस आलू, सभी चीज़ आप मिश्रित फसल इस तरह से कर सकते हैं। प्रदर्शनी है यहाँ पे लगा हुआ, देख सकते हैं मकान के छत पर खेती, मकान के छत पर खेती किस तरीके से कर सकते हैं वही दिखाया गया। वर्षा जल संरक्षण संग्रह और ये जो है नीचे पानी में मछली और ऊपर में मुर्गी फार्म खोल सकते हैं। तालाब के ऊपर मुर्गी फार्म, तालाब में मछली पालन और तालाब के ऊपर मुर्गी पालन। ये बांध वगैरह का डिज़ाइन यहाँ पे अवेलेबल है, कुछ पहाड़ियाँ यहाँ पे बनाया गया है और चेक डैम पहाड़ियों के रास्ते में बनाया गया है। और बहुत सारी यहाँ पर खेती से जुड़ी हुई जानकारियाँ दी गई हैं। लीटर पौधे में पानी देने वाला है यहाँ पे, और ये सब दवा का छिड़काव करने वाला Yeah.
ढाई लीटर का था, कितना दाम था? 1600। भाई साहब काची में काम आता है, इसे दवा छीटने छीटने वाला है। सॉरी, 1.5 लीटर का है, दवा का छिड़काव करने वाला है। फाइबर वाला दोस्तों, ज़्यादातर सुनते हैं हम लोग इसी को देखने के लिए आते हैं, जो कि अब नहीं हो सकता। अब यहाँ पे थिएटर पे रोक लग गई है, तो अब यहाँ पे थिएटर बंद हो चुका है, नहीं तो ज़्यादातर नहीं इसी के लिए यहाँ पे आते थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी जैकेट्स की दुकान है, इधर आपको केवल जैकेट्स ही मिलेंगे। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, मेरा बैटरी जो है वो लो हो चुका है, इसलिए ज़्यादा देर तक मैं वीडियो नहीं बना सकता। इतना देर चलता है बैटरी तब मैं वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद में देखा जाएगा क्या होता है। तो दोस्तों अब हम महिला से बाहर एग्जिट कर रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर, अभी जाएंगे अपने मामा के पास। मेला बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि घूमते घूमते शाम हो जाएगा, फिर भी पता नहीं होगा। 6-8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो पैदल घूमना पॉसिबल नहीं है, चलते हैं। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।